नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल, स्वागत है आप सभी का द एनएस शो में। तो दोस्तों, आज था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 42वां एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें हमारे मोटा भाई ने, अरे ये किन की तस्वीर लगा दी यार, मैं इनकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा था। क्या यार तुम भी ना, वो दरअसल क्या है ना मित्रों, वो 370 वाली खुशी से अभी भी बाहर नहीं निकल पाया है। तो खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को एक्साइटिंग फीचर्स, ऑफर्स और प्लान्स के साथ आज ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपने राइवल कंपनीज को ये कहा है कि पहली फुर्सत में निकल। और तो और, जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस के एक्साइटिंग फीचर्स, ऑफर्स और प्लान्स को जानने के बाद आप भी कुछ इस तरह से जश्न मनाने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या क्या ऑफर्स, प्लान्स और फीचर्स मिलेंगे आपको इस ब्रॉडबैंड सर्विस में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को 2018 में ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी बीटा टेस्टिंग यानी इसका परीक्षण चल रहा था। इस दौरान कंपनी को देश भर के लगभग 1600 शहरों से करीब 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन मिले थे, जिसमें कंपनी ने 5 लाख घरों को जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस से जोड़ा है। लेकिन अब ग्राहकों को जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस 5 सितंबर 2019 को कमर्शियली अवेलेबल होगा। दोस्तों, ये ब्रॉडबैंड सर्विस 100 Mbps से शुरू होकर 1 Gbps तक की स्पीड में उपलब्ध होगा। इसके अलावा इसके प्लान्स 700 रुपये से शुरू होकर 10,000 रुपये तक के होंगे, लेकिन इस प्लान्स के फुल डिटेल्स जो है वो आपको 5 सितंबर को ही मिलेंगे। दोस्तों, जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस में आपको एक सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा, जिसके जरिए आप अपने फेवरेट चैनल्स को तो देखेंगे ही, इसके अलावा इस बॉक्स में दुनिया भर की फेमस वीडियो गेम्स भी अवेलेबल होंगे। यानी अब आपको प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स जैसे महंगे गेमिंग कंसोल को खरीदने की जरूरत शायद ना पड़े। इसके अलावा इसमें आपको प्रीमियम OTT यानी ओवर द टॉप एप्लीकेशंस भी प्रदान की जाएंगी, जिसको आप इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस सेट टॉप बॉक्स में वेबकैम को अटैच करके अपने टीवी के जरिए देश विदेश में मल्टी पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक फीचर जो मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो यह कि यह बॉक्स मल्टी रियलिटी को भी सपोर्ट करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मिक्स्ड रियलिटी वो टेक्नोलॉजी है जो रियल वर्ल्ड यानी हमारी दुनिया और वर्चुअल वर्ल्ड यानी कंप्यूटर की दुनिया का मिश्रण होता है, जिसे हम VR हेडसेट के जरिए अनुभव करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को शामिल इसलिए किया गया है ताकि ग्राहक नए तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग को कर सके, एडुकेशनल वीडियोस को देख सके, इसके अलावा 3D गेमिंग और मूवीज को बेहतर और अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया जा सके। दोस्तों, मुकेश अंबानी जी ने यह भी बताया है कि जियो फाइबर कनेक्शन के साथ एक लैंडलाइन फोन भी दिया जाएगा, जिसके जरिए ग्राहक देश भर में किसी भी नेटवर्क में फ्री अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स कर पाएंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि यदि आप जियो फाइबर का एनुअल प्लान यानी वार्षिक प्लान चुनते हैं तो आपको HD या 4K LED TV और 4K सेट टॉप बॉक्स फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन LED TV किस कंपनी का देंगे ये अभी तक इन्होंने घोषणा नहीं की है। मुझे जहां तक उम्मीद है ये इनकी खुद की कंपनी है रिकनेक्ट, ये उसी का TV प्रोवाइड करेंगे जो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है। इसके अलावा यदि आप प्रीमियम प्लान वाले ग्राहक हैं तो आप घर बैठे ही किसी भी फिल्म को उसके रिलीजिंग के दिन ही देख सकते हैं, जिसको इन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का नाम दिया है, जिसकी सुविधा आपको 2020 के मध्य तक मिल जाएगी। दोस्तों, ये कोई मामूली या हल्के में लेने वाली बात नहीं है। यहाँ आपको केवल 700 रुपये में 100 Mbps की ब्रॉडबैंड सर्विस ही नहीं मिल रही है, बल्कि वो सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं, जिसके कारण आने वाले कुछ ही दिनों में हमारी पूरी की पूरी कायनात बदल सकती है। हम एक अलग ही दुनिया को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये बात मैं आपको बता दूँ, ये जो 100 Mbps की स्पीड होती है ये कोई मामूली स्पीड नहीं है, क्योंकि जो मैं लोकल ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ करता हूँ उसमें मुझे केवल 25 Mbps की स्पीड मिलती है, जिसमें मैं अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, इवन स्मार्ट TV में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के फुल HD वीडियो को बिना बफर किए देख सकता हूँ। और यहाँ तो आपको 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो ज़रा सोचिए वो आपके डिवाइस में कितना सारा आंधी तूफान ला सकता है।
तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।